हेलो फ्रेंड्स हाउ यू आज मैं क्वेश्चन नंबर इलेवन और उससे आगे के क्वेश्चंस सॉल्व कर रही हूँ रेशियो प्रपोशन और यूनिटरी मेथड के ओके okay. सिंपली मैं आर एस अग्रवाल की क्लास सिक्स की बुक ले रही हूँ ठीक है और इसमें हम चैप्टर ले रहे हैं टेन ए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन a 35 cm line segment is divided into two parts in the ratio 4 is to 3 find the length of each part आपके पास 35 cm का एक line segment है और उसे डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में और रेशियो है 4:3 ओके सॉल्व कीजिए उसको हम इसको क्या कर लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट b 4x, इसको मैंने 4x एक्स मान लिया देन सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा देन सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थ्री एक्स ये थ्री एक्स हो जाएगा और टोटल कितना है थर्टी फाइव सेंटीमीटर है यानी क्या हो गया सो फोर एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव सॉल्व कर लीजिए आपको लेंथ ऑफ ईच पार्ट निकालना है यानी आपको फोर एक्स और थ्री एक्स फाइंड आउट करना है देखिए फोर थ्री हो गया सेवन एक्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया थर्टी फाइव अपॉन सेवन यानी क्या हो गया फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव आ गया है ना तो आपको फोर एक्स और थ्री एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या हो जाएगा फोर एक्स यानी ट्वेंटी थ्री एक्स एक्स की वैल्यू फाइव यानी फिफ्टीन यानी एक पार्ट हो गया आपका ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड सेकेंड फिफ्टीन सेंटीमीटर और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिस इलेक्ट्रिक बल्ब इफ वन आउट ऑफ टेन बल्ब इज डिफेक्टिव एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसिस सिक्स थर्टी बल्ब पर डे फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूज ईच डे यहाँ देखिए टोटल पर डे सिक्स हंड्रेड थर्टी बल्ब बन रहे हैं फैक्ट्री में ओके okay? जिसमें से वन आउट ऑफ टेन जो है डिफेक्टिव है ठीक तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं लेट डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब ज इक्वल टू एक्स देन नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे टेन में से वन जो है डिफेक्टिव है तो जो नॉन डिफेक्टिव है वो कितने होंगे नाइन एक्स वन तो डिफेक्टिव था यानी नाइन ही तो जो बचे हैं वो नॉन डिफेक्टिव है टेन में से

फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अल पेन इफ पेंसिल एंड बॉल पेन कास्ट रुपीज फिफ्टी पॉइंट फोर जीरो पर डजन आपको निकालना है प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन यानी price ऑफ अ पेंसिल अपॉन price ऑफ अ बॉल पेन आपको निकालना है ये दिया है पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज नाइंटी सिक्स पर स्कोर पर स्कोर स्कोर यानी कि वन स्कोर ट्वेंटी पेंसिल्स वन स्कोर इज गोल टू ट्वेंटी पेंसिल्स यानी ट्वेंटी पेंसिल्स आपको नाइंटी सिक्स रुपीज में मिली है मुझे एक पेंसिल की प्राइस निकालनी है वन पेंसिल की प्राइस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नाइन्टी सिक्स जो है ट्वेंटी का है तो वन का हो जाएगा नाइंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी सिमिलरली डजन, वन डजन इज टू क्या होता है ट्वेल्व यानी यहां पर आपके पास क्या था ये बॉल पेंस है ना तो ये हो गए आपके पास वन डजन यानी ट्वेल्व बॉल पेंस हो गए ठीक है तो अब यहां पर प्राइज ऑफ अ बॉल पेन निकालना है है ना यहां पर आपको दिया है 50.40 पर डजन यानी 12 बॉल पेन की जो प्राइस है वो 50.40 है तो वन बॉल पेन की क्या हो जाएगी 50.40 पॉइंट अपॉन ट्वेल्व ठीक है बस अब आपको इसे सॉल्व करना है एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर देखते हैं नाइनटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी देखिए जब ये डिवीजन है डिवीजन के नीचे भी डिवीजन आ रहा है तो इसको क्या करो आप इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है ये जो आपका डिनोमिनेटर था ना उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो चेंज हो जाते हैं कैसे यानी ट्वेल्व यहां पर डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर हो जाएगा और 50.40 जो है आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हो जाएगा 12 ये आपका न्यूमरेटर और ये जो 50 है 0.40 ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा बस इसको सॉल्व करना है अब देखिए 50.40 है आपको प्रॉब्लम बस इसी में आने जा, आने वाली है कि ये पॉइंट है तो ये देखिए डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है इसका एक फुल वीडियो बना हुआ है मेरा ठीक है उसे आप जरूर देख लीजिए ठीक आप क्लियरली इसे समझ जाएंगे तो देखिए मैं क्या कर रही हूं यहां पर टू डिजिट्स है ना तो मैंने ऊपर टू डिजिट्स बढ़ा दी जीरो लगा दिए यानी और ये पॉइंट मेरा हट गया अब बस इसे कैंसिल आउट करिए देखिए ये जीरो ये जीरो कैंसिल ये वाला जीरो ये जीरो कैंसिल अब टू वन जे टू टू सिक्स जा हो गए आपके ट्वेल्व ठीक है अब ये सिक्स से देखते हैं हम ये हो गया एट में फोर्टी एट फिर टू सिक्स फोर जा ठीक है ट्वेंटी फोर हो गया अब इसको देख लेते हैं आप ये है नाइन्टी सिक्स और यहाँ पर है आपके पास एटी फोर ठीक है ये अब देखिए ट्वेल्व का टेबल देखती हूँ मैं हम्म ये हो गया आपका ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स और ट्वेल्व सेवन जा ये हो गया आपका एटी फोर ठीक है ओके अब देखिए एट और सेवन तो ये किसी से नहीं कटेंगे यानी अब आ गया आपका एट बाई सेवन ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स यदि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड्स को इन्हें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सम्स के साथ तब तक, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद